हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किचन फॉर यू। आज हम बनाएंगे बेल रसमलाई। बेल रसमलाई बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी है, इजी है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने रसमलाई बनाने के लिए 1 कप मिल्क डाल देंगे और साथ में हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून चीनी। मिल्क हमारा पहले से उबाला हुआ है, इसे हमने 2 कप मिल्क उबाल के हमने 1 कप करके रखा था। तो ये जो मिल्क है इसे हमें और थोड़ा सा गाढ़ा करनी है, तो इसे हमें चलाती रहनी है इस तरीके से और मिल्क को बिल्कुल गाढ़ा कर लेनी है। अगर आप पहले से मिल्क को नहीं उबाले हैं तो 1 कप मिल्क करने के लिए आप इसमें 2 कप मिल्क यूज करें और इसे इस तरीके से गाढ़ा बनाए, बिल्कुल गाढ़ा। तो आप देख सकते हैं मिल्क को हमने अच्छे से चलाया है और फिर इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे। इसकी कलर आने के लिए यहाँ पे हम फूड कलर यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे ताकि रसमलाई का जो कलर होता है वो इसमें अच्छे से आए और देखने में बहुत अच्छी लगे। रसमलाई हमारा तैयार है, तो अब हम चलते हैं स्टफिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे, फिर हम डाल देंगे 1/2 कप मिल्क। यहाँ पे हम मिल्क पाउडर की स्टफिंग बनाएंगे, तो यहाँ पे हम 1 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर की स्टफिंग बहुत ही जल्दी बनते हैं। अगर आप चाहे तो मिल्क की भी स्टफिंग बना सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर की स्टफिंग आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। मिल्क की स्टफिंग होगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, खाने में टेस्टी भी है मिल्क पाउडर की स्टफिंग। तो अब इस तरीके से हमें इसे लोअर मीडियम फ्लेम के बीच में चलाती रहनी है और फिर हमें इसमें डाल देनी है बादाम। तो यहाँ पे हम कुछ बादाम काट के डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बादाम को हमने काट के डाल दिया है। तो बस हमें इसे लगातार चलाते रहनी है और बिल्कुल स्टफिंग हमें जिस तरीके से बनाते हैं मिल्क की मावा जैसी स्टफिंग हम बना लेंगे। मिल्क पाउडर की स्टफिंग बहुत ही टेस्टी है, आप भी बनाइए, इजीली 2 मिनट में स्टफिंग बन जाता है। स्टफिंग हमारा तैयार है, तो अब हम इसमें ब्रेड ले लिया है। यहाँ पे हमने 4 स्लाइस ब्रेड ले लिया है। अब ये जो ब्रेड है उसके किनारों को हमें निकाल लेनी है। इस तरीके से हम नाइफ से सारी ब्रेड के किनारों को निकाल लेंगे और ये जो ब्रेड को जो हमने निकाल के इसके किनारों को रखा है, इस किनारे से आप ब्रेड क्रम बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमें ब्रेड जो है ब्रेड को हमें बेल लेनी है। तो इसे बस हमें हल्के हाथों से बेलनी है ताकि क्या है हमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालनी है। अब हमें जो ब्रेड बेली है उसके अंदर हम रोल कर देंगे स्टफिंग। तो इस तरीके से रोल जैसा डाल के हम इसे घुमा देंगे, इसे हम लंबाई में डालेंगे और दोनों हाथों से अच्छे से धीरे से हमें इसे रोल जैसा घुमा देनी है। तो ये आप देखिए, आज के हमारे ब्रेड रोल तैयार है। के ऊपर हमने जो मलाई बनाए थे उस मलाई को हम डाल देंगे। मलाई को बना के हम फ्रिज में रखा था ताकि ये ठंडा हो और ब्रेड ना टूटे। तो इस तरीके से हमारी ब्रेड की रस मलाई तैयार है। मलाई डाल के हमें इसे कम से कम आधा घंटे रख देनी है और उसके बाद हमें इसे सर्व करनी है। तो आज की हमारी ब्रेड रस मलाई तैयार है, आप इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी है, बनाइए, बहुत ही इजी भी है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।